इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे चेकिया T10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 2 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 2 PRB और दोस्तों PCC टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 2:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब इस मैच में दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूँ, देखो आप किस टीम को फेवर कर सकते हो। दोस्तों जो PRB की टीम है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम नहीं है। इनके पास यदि हम लोग प्लेयर देखें तो 2-3-4 ही कुछ ऐसे प्लेयर है मैच विनर है जिन्हें आप टीम में कंसीडर करोगे, लेकिन जो PCC की टीम है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके पास तो दोस्तों मुझसे पूछो तो 11 प्लेयर के साथ आएगी, जिसमें से दोस्तों 9 प्लेयर तो इनके मैच विनर ही रहने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा PCC टीम को थोड़ा सा फेवर करे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी प्लेयर का स्टैट्स मैंने शेयर किया है। PCC के दोस्तों आपको मैक्सिमम प्लेयर का स्टैट्स फर्स्ट वीडियो में ही मिल गया होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस मैच में PRB के प्लेयर पे मेन फोकस रखने का, ठीक ना। उनका स्टैट्स मैंने आपको दे दिया है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसे हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो वाला टीम सेव करके रखिएगा, कोई भी उसमें चेंजेस करना होगा तो मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक ना। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग का इसी टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच का रहेगा, जो दोस्तों BRN और दोस्तों PRB टीम के बीच खेला जाएगा। बात करें दोस्तों हम लोग PRB और दोस्तों PCC के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मैच से रिलेटेड हम लोग प्लेयर स्टैट्स पे भी फोकस करेंगे सभी प्लेयर का। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा HMS, जो दोस्तों T10 में 45 मैच खेले, जहां पे आपको बैटिंग से 296 रन स्कोर किए हैं। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपको DC का मिलेगा, जो दोस्तों T10 में 32 मैच खेले, जहां पे दोस्तों आपको बैटिंग से 296 रन स्कोर भी किए और 8 ओवर बॉलिंग करके आपको 5 विकेट प्रोवाइड भी की है। लास्ट ऑप्शन दोस्तों आपको गाले का मिलेगा, जिनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 21 मैच खेल चुके हैं T10 में, जहां पे आपको बैटिंग से सिर्फ 30 रन स्कोर किए और 21 मैच में बॉलिंग भी देखो तो सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग करके आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए। तो इस मैच के दोस्तों जो आपके लिए सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन बन रहे वो है दोस्तों DC, ठीक ना। तो दैट्स व्हाई दोस्तों मैं इन्हें अपने टीम में रख रहा हूं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको A का मिलेगा, जो दोस्तों 13 मैच खेल चुके हैं T10 में, जहां पे आपको बैटिंग से तो कुछ खास किए नहीं है, सिर्फ 40 रन स्कोर किए, 13 मैच में बॉलिंग से आपको 15 ओवर बॉलिंग करके 8 विकेट प्रोवाइड किए। तो एज अ बॉलर दोस्तों इनका रिकॉर्ड मेरे को बस ठीक ठाक लगा है, बैटिंग से कुछ खास नहीं है। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा MSI, जो आपके लिए सभी कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, 19 मैच खेल चुके हैं T10 में, जहां पे आपको बैटिंग से 179 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 19 मैच में 22 ओवर बॉलिंग करके आपको 10 विकेट प्रोवाइड भी किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा गंगप्पा का, इनका भी दोस्तों रिकॉर्ड एवरेज सा ही है, अभी तक रिकॉर्ड देखें तो 11 मैच T10 में खेले, जहां पे आपको बैटिंग से सिर्फ और सिर्फ 50 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा नंदी बादा का, इनका दोस्तों रिकॉर्ड देखें तो T10 में 6 मैच खेले, जहां पे आपको बैटिंग से 21 रन स्कोर किए और 6 मैच में दोस्तों 3 ओवर बॉलिंग किए जरूर थे, बट दोस्तों विकेट नहीं ले पाए थे, तो इनका भी दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, आप इन्हें भी दोस्तों ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको भीज अगेसन का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी दोस्तों जो रिकॉर्ड है मेरे को कुछ खास नहीं लगा है, 32 मैच खेले T10 में, जहां पे आपको बैटिंग से 295 रन स्कोर किए हैं। यदि दोस्तों टॉप ऑर्डर में खेलने आते हैं तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एक हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, चलेगा तो दोस्तों आपको 40 स्कोर करेगा, नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट मैच में 0-0 इस तरह से स्कोर करेगा। तो यदि टॉप ऑर्डर में हो तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एस गणेशन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों T10 खेले नहीं है, T20 में दोस्तों इन्होंने 6 मैच खेला है, जहां पे आपको बैटिंग से 105 रन स्कोर किए और 6 मैच में 16 ओवर बॉलिंग करके आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको रामाकृष्णन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों T10 में 41 मैच खेले, जहां पे आपको बैटिंग से 507 रन स्कोर किए और 41 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 8 विकेट प्रोवाइड किए 16 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके। दोस्तों आपको आर गोयल का ऑप्शन मिलेगा, आर गोयल दोस्तों T10 में 5 मैच खेले, जहां पे आपको बैटिंग से 6 रन स्कोर किए और 5 मैच में दोस्तों आपको 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट प्रोवाइड किए हैं।
फिर नीचे दोस्तों आपको ए खेती वाला का ऑप्शन मिलेगा। इनका परफॉर्मेंस देखिए तो T20 में 3 मैच खेले जहाँ पे आपको बैटिंग से 36 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको टी थॉमस का ऑप्शन मिलेगा। टी थॉमस दोस्तों T10 में 18 मैच खेल चुके हैं जहाँ पे आपको बैटिंग से 77 रन स्कोर किए और 5 ओवर बॉलिंग किए थे जहाँ पे आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए थे। कुछ खास रिकॉर्ड दोस्तों है नहीं। नीचे दोस्तों सच बोलूँ तो देखो किसी का भी ना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जैसे आपको नीचे एम ठक्कर का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है और T20 डोमेस्टिक भी देखे तो इन्होंने 3 मैच खेला है और सिर्फ 11 रन स्कोर किए हैं। ए सिंह का भी दोस्तों सेम वही है, 8 मैच खेले दोस्तों T20 में जहाँ पे आपको बैटिंग से कुछ किए नहीं है, 8 मैच में 6 रन ही स्कोर किए, लेकिन हाँ 8 मैच में आपको 21 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट प्रोवाइड किए। तो ए सिंह को रखना भी हो तो एज अ बॉलर रखिएगा, बैटिंग से कुछ करेंगे नहीं। फिर नीचे दोस्तों आपको राजेश का ऑप्शन मिलेगा। इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 11 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे आपको बैटिंग से सिर्फ और सिर्फ 66 रन स्कोर किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको ग्लेटसन का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम टाइम दोस्तों आपको फील्डिंग से ही पॉइंट देते हैं, अभी तक देखो तो 10 मैच जरूर खेले T10 में लेकिन मात्र दोस्तों 11 रन स्कोर किए। दैट मीन दोस्तों 90% मैच में ये बैटिंग ही करने नहीं आया, तो ड्रॉप करके ही आप इन्हें भी चलिएगा, ठीक ना। चलिए अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन। तो दोस्तों आपको आर सतपाल का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 में 5 मैच खेले हैं और 5 मैच में 6 रन स्कोर किए बैटिंग से और 7 ओवर बॉलिंग करके आपको 1 विकेट प्रोवाइड किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको आर तोमर का ऑप्शन मिलेगा जो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। 41 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे आपको बैटिंग से 754 रन स्कोर किए और 41 मैच में बॉलिंग से भी आपको 21 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एस दिवेगी का ऑप्शन मिलेगा। इन्हें भी दोस्तों आपको सभी टीम में ट्राई करना है और कैप्टन भी कर सकते हैं। 67 मैच खेल चुके हैं T10 में जहाँ पे आपको बैटिंग से 1395 रन स्कोर किए और 67 मैच में बॉलिंग से आपको 43 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। रिसेंट मैचों में इन्होंने थोड़ा सा बॉलिंग कम किया है बट स्टिल यार बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। फिर नीचे दोस्तों आपको टी लाल का ऑप्शन मिलेगा। इनका परफॉर्मेंस देखें तो 32 मैच खेले T10 में जहाँ पे बैटिंग से कुछ किए नहीं है, मात्र 96 रन स्कोर किए, बट या 32 मैच में बॉलिंग से आपको 51 ओवर बॉलिंग करके आपको 16 विकेट प्रोवाइड किए, तो एज अ बॉलर आप इन्हें कंसीडर कीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा भी मेहदी सिटी। एक दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, 12% सिलेक्शन है लेकिन विकेट टेकर बॉलर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 मैच इन्होंने खेला है T10 में और आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए। बस माइनस पॉइंट मेरे को बस यही लगा कि बंदे को दोस्तों विकेट तो मिलता है लेकिन कैप्टन इन्हें ओवर कम देता है, 12 मैच में सिर्फ 13 ओवर बॉलिंग किए। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एस विजय सेकरा का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों मुझे हाई चांस लग रहा है कि आपको विक्रमा सिंघे आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आने वाले हैं और दोस्तों विक्रमा सिंघे ध्यान रखना यदि टॉप ऑर्डर में आते हैं तो एक कैप्टन बीसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन है। 54 मैच के लिए T10 में जहाँ पे आपको बैटिंग से 1402 रन स्कोर किए हैं और 54 मैच में बॉलिंग से भी आपको 32 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं, तो एस विक्रमा सिंघे का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। फिर नीचे दोस्तों NLR 3% सिलेक्शन है लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। T10 में 9 ही मैच खेले बट दोस्तों 9 मैच में आपको बैटिंग से 344 रन स्कोर किए और 9 मैच में बॉलिंग से आपको 6 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं 12 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके। इतना शानदार रिकॉर्ड है और मात्र 3% सिलेक्शन। फिर नीचे दोस्तों आपको सी पटेल का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी भी खेले नहीं है। T20 में 2 मैच इन्होंने खेला था जहाँ पे विकेट नहीं ले पाए थे और मात्र 6 ओवर बॉलिंग किए थे। फिर नीचे दोस्तों आपको के भरद्वाज का ऑप्शन मिलेगा। इनका परफॉर्मेंस देखे तो इन्होंने भी दोस्तों कभी भी T10 नहीं खेला है। T20 में 5 मैच खेले जहाँ पे आपको बैटिंग से 137 रन स्कोर किए और 5 मैच में 2 ओवर बॉलिंग करके आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए है। नीचे दोस्तों आपको ए अशोकन का ऑप्शन मिलेगा जिनका रिकॉर्ड देखे तो T10 में 45 मैच खेले जहाँ पे आपको बैटिंग से 771 रन स्कोर किए और 45 मैच में बॉलिंग से 30 ओवर बॉलिंग करके आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए। इनके साथ दोस्तों देखो माइनस पॉइंट ये देखने को मिलेगा ना कि आपको 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग करेंगे क्योंकि दोस्तों जो PCC की टीम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और इनके पास दोस्तों बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर में खेलने आते वो जल्द अपना विकेट देते नहीं है, तो वही प्रॉब्लम है दोस्तों AS सोकन का, अदरवाइज प्लेयर तो अच्छा है। फिर नीचे दोस्तों आपको केमेंडन का ऑप्शन मिलेगा। एज अ बॉलर मैं ज्यादा इनको रिकमेंड करूंगा, रिकॉर्ड भी ठीक है, 33 मैच खेले जहां पे आपको बैटिंग से 220 रन स्कोर किए और 33 मैच में 8 विकेट प्रोवाइड किए 26 ओवर बॉलिंग करके। देखो दोस्तों इनका बॉलिंग से उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन बैटिंग देखो बहुत ही नीचे करने आएंगे, तो ट्राई करना तो एज अ बॉलर ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना। नीचे दोस्तों आपको एफ नूरी का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 खेले नहीं है, T20 में 9 मैच खेले
जहां पे आपको बैटिंग से 115 रन स्कोर किए और 9 मैच में बॉलिंग से आपको 27 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट प्रोवाइड किए। डेट मीन्स दोस्तों बंदे ने टीटीएन तो नहीं खेला है बट टी20 में रिकॉर्ड दोस्तों खराब नहीं है, 9 मैच में 115 रन और 9 मैच में 9 विकेट। तो इस प्लेयर पर ध्यान रखिएगा, आपके लिए जीएल के लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बी कुमार का मिलेगा जो दोस्तों टीटीएन में 11 मैच खेले, जहां पे आपको बॉलिंग से देखो तो 4 विकेट प्रोवाइड किए 11 ओवर बॉलिंग करके। फिर नीचे दोस्तों आपको एसवी तागे का ऑप्शन मिलेगा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बिकॉज 2 ओवर सभी मैच में बॉलिंग करेंगे। अभी तक टीटीएन में 37 मैच खेले जहां पे आपको बॉलिंग से 26 विकेट प्रोवाइड किए और दोस्तों 67 ओवर कंप्लीट इन्होंने बॉलिंग किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा पद्म राजू का, एक अच्छा दोस्तों प्लेयर है, बैटिंग का चांस मिला तो बैटिंग से भी स्कोर कर लेता है। परफॉर्मेंस देखें तो 28 टी10 मैच खेले जहां पे आपको बैटिंग से 126 रन स्कोर किए और 28 मैच में बॉलिंग से आपको 19 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं और कंप्लीट 47 ओवर बॉलिंग भी किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा के भतानगर का, इनका दोस्तों यदि हम लोग परफॉर्मेंस देखें टी10 का तो कुछ खास तो मुझे नहीं दिखा है, 13 मैच खेले जहां पे आपको बॉलिंग से देखो तो 6 विकेट ही प्रोवाइड किए 9 ओवर बॉलिंग करके। डैट मीन्स विकेट भी कम मिला है और दोस्तों ओवर भी बहुत ही कम किए, 13 मैच में मात्र 9 ओवर बॉलिंग किए। फिर नीचे दोस्तों आपको जी साई का ऑप्शन मिलेगा जो तो 11 मैच खेल चुके हैं टी10 में, जहां पे आपको 8 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे दोस्तों आपको पी कुमार का ऑप्शन मिलेगा, पी कुमार दोस्तों टी10 में 15 मैच खेले जहां पे आपको बॉलिंग से 24 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके 8 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा के मेहता का, के मेहता दोस्तों टी10 खेले हैं, टी10 में अभी तक टोटल देखें तो 27 मैच इन्होंने खेला है जहां पे आपको बॉलिंग से 14 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं 26 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा एस पटेल, एस पटेल दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 37 मैच खेल चुके हैं टी10 में जहां पे आपको बैटिंग से 72 रन स्कोर किए और 37 मैच में बॉलिंग से आपको 43 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके 23 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको भी मैनी का ऑप्शन मिलेगा, अभी तक टी10 में 8 मैच खेले जहां पे आपको बैटिंग से 23 रन स्कोर किए और 8 मैच में दोस्तों एक मात्र ओवर बॉलिंग किए थे जहां पे विकेट मिला नहीं था, तो डैट मीन्स कुछ खास नहीं है। फिर नीचे दोस्तों आपको देश मोनी का ऑप्शन मिलेगा, इनका परफॉर्मेंस देखें तो 23 मैच खेले टी10 में जहां पे आपको बैटिंग से 139 रन स्कोर किए और 23 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 17 विकेट प्रोवाइड किए 27 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके। फिर नीचे दोस्तों आपको एस वर्मा का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों टी10 में सिर्फ एक मैच खेले बट उस मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, एक ही मैच में 2 विकेट और साथ ही साथ 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग। नीचे दोस्तों आपको डी रमानी का ऑप्शन मिलेगा जो आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे क्योंकि टी10 में इन्होंने 4 मैच खेला है और 4 मैच में 8 ओवर कंप्लीट बॉलिंग किए, डेट मीन्स सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग किए और आपको 4 मैच में 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको पी वशिष्ठ का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों टी10 खेले नहीं है, टी20 में 2 मैच खेल के आ रहे हैं जहां पे आपको बॉलिंग से दोस्तों 1 विकेट प्रोवाइड किए, बहुत ज्यादा दोस्तों मैच का इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों टी10 खेले नहीं है तो फर्स्ट मैच में कितना ओवर इन्हें चांस मिलेगा दोस्तों कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर नीचे से दोस्तों मेरे पास 3 प्लेयर का स्टैट्स और भी उपलब्ध है, जैसे दोस्तों डी कासी ऐसे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एक ही मैच खेले थे टी10 में जहां पे दोस्तों सिर्फ इन्होंने फील्डिंग किया था और टी20 में भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर नीचे दोस्तों आपको आर नूरी का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों टी20 में 8 मैच खेले हैं जहाँ पे दोस्तों 8 मैच में 42 रन आपको बैटिंग से स्कोर किए और 9 विकेट दोस्तों आपको बॉलिंग से प्रोवाइड किए 26 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके, तो टी20 में दोस्तों आर नूरी का रिकॉर्ड अच्छा है। फिर नीचे दोस्तों एच चौहान जिन्हें आपको इग्नोर करके ही चलना है, टी10 खेले नहीं है, टी20 में एक मैच खेले थे रिसेंटली जहां पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये फील्डिंग किए थे। बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों इस मैच में कैप्टन बीसी आप कोशिश कीजिएगा आर तोमर, एस दिबागी, फिर नीचे से दोस्तों एस विक्रमा सिंघे और एन लाला, ये 4 ऑप्शन ही आपके लिए इस मैच में बेस्ट रहेंगे। अभी के लिए मैं कैप्टन एस दिबागी और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं एन लाला को किया हूँ और वाइस कैप्टन चाहो सेफ जाना चाहो तो आर तोमर को भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों इसमें इस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है या दोस्तों प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंजेस करना होगा तो फाइनल कॉम्बिनेशन में आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट
कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का इसी टूर्नामेंट का, आज का मैच नंबर 3 का रहेगा, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।